इलिया टोपोरिया और मैक्स हॉलोवे ये दोनों ही फेदर वेट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट हैं। इलिया की जो नॉकआउट पावर है वो बहुत ही बढ़िया है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। गिलबर्ट बर्न्स ने कहा था कि भाई इलिया ने उनके दो तीन स्पेरिंग पार्टनर्स को नॉकआउट कर दिया था, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई वो कितने ही ज्यादा खतरनाक बॉक्सर हैं और मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर हैं। और जबकि हम बात करते हैं मैक्स हॉलोवे की, उन्होंने जस्टिन गेजी को नॉकआउट करके लास्ट राउंड में, लास्ट सेकंड में एक हिस्ट्री का मोमेंट बना दिया और अपनी जगह हॉल ऑफ फेम में पक्की ही कर ली है एक तरह से। वो पहले तो हमें पता ही था कि ऐसे फाइटर जो होते हैं वो हॉल ऑफ फेम में आएंगे, लेकिन ये नॉकआउट उनका बहुत ही बढ़िया मोमेंट माना जाएगा कैरियर का। उन्होंने जिस तरह से उसको अप्लाई किया आखिरी 10 सेकंड में, और ये फाइट लास वेगास में हमें स्पेयर में होती नजर आएगी, और बहुत ही कमाल की फाइट होने वाली है। ठीक है, चांसेस आर वेरी हाई कि ये फाइट लास वेगास में हो, और मुझे भी वेट है उस टाइम का जब ये फाइट होगी। सो इलिया ने चैलेंज किया है मैक्स हॉलोवे को कि भाई वो पहले 10 सेकंड में वैसी एनर्जी दिखाए जैसे कि वो लास्ट में दिखाते हैं, तो देखते हैं भाई कैसी चलती है ये फेदरवेट फाइट। और मुझे यकीन है कि इस फाइट का रिजल्ट फिनिश में ही होगा, ये फाइट फिनिश में ही खत्म होगी, चाहे उसे मैक्स करें चाहे उसे इलिया करें।